हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं लेटेस्ट स्टाफ नर्स वैकेंसी। दोस्तों, इस स्टाफ नर्स वैकेंसी की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वैकेंसी में हम जानने वाले हैं कितनी पोस्ट होने वाली है, क्या आपको सैलरी मिलेगी और कितनी यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेगी। साथ में दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन का मोड क्या रहने वाला है और आपकी जो है जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हमारे साथ बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट होने वाली है जूनियर नर्स के नाम से। जूनियर नर्स के नाम से यहाँ पर पोस्ट है, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिखा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, जिसमें दो पोस्ट यहाँ जनरल की होने वाली है, एक पोस्ट एससी की, और टोटल यहाँ पर थ्री पोस्ट दी गई है। तीन पोस्ट टोटल यहाँ पर होने वाली है, जिसमें 10+2 मांगा गया है, और बायोलॉजी केमिस्ट्री यहाँ पर 10+2 में आपका कंपलसरी है। डिप्लोमा इन नर्सिंग यहाँ पर मांगा गया है, जो कि फ्रॉम SMF से होना चाहिए और एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जो है डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे पोस्ट कहाँ से निकाली गई है। दोस्तों, आज की जो पोस्ट है वो होने वाली है लद्दाख से, जो कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट यूनियन ट्रेजरी ऑफ लद्दाख से है, यानी कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह लद्दाख से निकाली गई है। यहाँ पर सचिव यानी ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी का यहाँ पर नोटिस निकाला गया है, जो कि सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड से है। नोटिफिकेशन 30 नवंबर को रिलीज किया गया है, और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी जो है 31 दिसंबर रहने वाली है। 1 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जिसकी डेट आपको आपके जो है LASDSSRB वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी डेट। यहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर है, परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। रिजर्वेशन जो है यहाँ पर दिया गया है, इस पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहने वाला है। लास्ट डेट 31 दिसंबर आपकी रहेगी, जो कि एज कट ऑफ की भी यही डेट रहने वाली है। एज लिमिट 1/1/2022 की यहाँ पर दी गई है, जो कि 18 से 42 साल तक की एज लिमिट आपकी यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। इसके आगे बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी गई है 31/12/22। 31/12 यहाँ पर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। एलिजिबल क्राइटेरिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको बताया है हमने वही रहने वाला है। आगे यदि बात करें हम, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होगा वो आगे हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, जिस पर जाना होगा आपको और अप्लाई करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, एनी अदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप है जो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रजिस्टर्ड लिंक आपको हमने बता दिया है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अप्लाई के बाद आपको तो कैंडिडेट लॉगिन कर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन मोड की पेमेंट फीस जो है वो भी आपको नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, जो कि आप 200 रुपीज़ पे करने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सभी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्विस चार्जेज हैं वो आपके साथ में रहने वाले हैं। आप यहां देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में, आप देखें तो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में यहां पर दिया गया है कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो 25 जनरल इंटेलिजेंसी, 25 जनरल अवेयरनेस,
एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25 यहाँ पर दिया गया है। 1 hour 30 minutes ही यहाँ पर टोटल आपका ड्यूरेशन रहेगा। 2 hours ऑफ एलिजिबल फॉर स्क्राइब, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स PWD है उनके लिए 2 घंटे रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 marks की आपकी रहने वाली है। तो इसके साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आगे आप सिलेबस भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे कमेंट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से नोटिफिकेशन, सिलेबस और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनकेस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।